हे एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन्स इंडिया के हंड्रेड मेडल्स कंप्लीट हो गए हैं एशियन गेम्स में और एशियन गेम्स भी ख़त्म हो गए हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें करेंगे हम कवर इस वीडियो में और चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले हम देखें इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं एशियन गेम्स में 107 जिसमें 28 गोल्ड हैं 38 सिल्वर हैं और 41 वन ब्रॉन्ज मेडल हैं एशियन गेम्स के बहत्तर साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडिया ने थ्री फिगर्स में मेडल जीते हैं ठीक है इससे पहले अभी तक सौ पार नहीं हो पाए थे जो ये हो गया है जो कि बहुत बड़ी एक जीत है अब यहाँ पर है मेडल टेली भारत की पोजीशन एशियन गेम्स में अगर पूछी जाए तो वो कितनी है फोर्थ है भारत फोर्थ नंबर पर है टॉप पर इसमें चाइना है जिसके पास 201 गोल्ड 111 सिल्वर इकहत्तर ब्रांच 383 मेडल्स चाइना ने जीते हैं फिर सेकंड पर जापान है थर्ड पर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया फोर्थ नंबर पर है इंडिया जिसके टोटल मेडल हैं वन जीरो सेवन फिर उजबेकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ हैं तो वो याद रखनी ज़रूरी नहीं है टॉप टॉप फोर या टॉप फाइव इनको याद रखिएगा भारत की पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें पहली चीज़ याद रखनी है एडिशन कौन सा है नाइनटीन्थ एशियन गेम्स हैं दो में वैसे एशियन गेम्स 2022 इनको बोला जा रहा है क्योंकि 2022 में होने थे जो कि अभी हो रहे हैं ठीक है तेईस सितंबर से शुरू हुए थे 8 अक्टूबर तक भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में फ़्लैग बेयरर हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड और लवलीना बोर्गोहन बॉक्सिंग से रिलेटेड ये दोनों फ्लैग बेयरर थे भारत के ओपनिंग सेरेमनी में क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियर थे पी आर सृजेश हॉकी प्लेयर हैं इंडिया का मोटो क्या है अब की बार सौ पार जो कि हो भी गया है ठीक है इंडिया ने जब प्रमोट करना इसको शुरू किया था और एशियन गेम्स के लिए जो एड्स वगैरह देने स्टार्ट किए थे उसमें भारत का मोटो रखा गया था अब की बार सौ पार मैस्कॉट इसका क्या है चैन चैन कांग कॉन्ग लियान लियान हम बहुत बार देख चुके हैं याद हो गया होगा अच्छे से एशियन गेम्स ट्वेंटी का मोटो क्या है हार्ट हर, हार्ट टू हार्ट अब ये देखिए दोनों अलग हैं इंडिया का मोटो अलग है एशियन गेम्स 2023 इसमें मोटो जो चाइना के द्वारा रखा गया है हार्ट टू हार्ट ठीक है और ये जो एशियन गेम्स हैं होस्ट किसके द्वारा होते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा एटीनथ एशियन गेम्स हुए थे 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में नाइन्टीन हुए हैं चाइना में ट्वेंटियथ एशियन गेम्स दो में होंगे जापान में वही चीज़ें यहाँ पर दी दी हुई हैं होस्ट सिटी हॉन्गजो चाइना की चाइना में गेम्स हुए हैं मोटो चाइना के द्वारा ही रखा गया है हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर चालीस स्पोर्ट्स में फोर एटी वन इवेंट्स देखने को मिले ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर को स्टार्ट हुआ था आठ अक्टूबर को एशियन गेम्स ख़त्म हुए हैं शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट के द्वारा ये जो ओपनिंग सेरेमनी एक तरह से की गई थी क्लोज किसके द्वारा किया गया रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं ये अभी और फिर एक ये चीज ये चीज़ याद रख लीजिएगा टॉर्च लाइटर वांग शुन है इसके ठीक है अभी यहाँ पर देखें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हॉन्गजो इज़ द थर्ड चाइनीज सिटी टू होस्ट द एशियन गेम्स आफ्टर बीजिंग इन 1990 और गुआंगजो 2010 में मतलब चाइना में एशियन गेम ओवरऑल तीन बार हो चुके हैं ये वाले मिलाकर भारत में हम देखें तो दो बार हुए हैं सबसे पहली बार 1951 में और फिर 1982 में दो बार भारत में हो चुके हैं एशियन गेम्स फिर उसके बाद थाईलैंड ने अभी तक सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स को होस्ट किया है चार बार 1966, 1970, 1978 और 1998 में अब ये जो 2022 में एशियन गेम्स हुए हैं 2022 वाले अभी हुए हैं इनमें नए गेम्स जो शामिल किए गए थे पहला है स्पोर्ट्स एंड ब्रेकिंग ब्रेक डांस इन्हें ऑफिशियल स्पोर्टिंग इवेंट के रूप में एशियन गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी में शामिल किया गया था नेक्स्ट देखें गोल्ड मेडल्स हमारे ट्वेंटी हैं तो यहाँ पर एक साथ सारे गोल्ड मेडल्स की लिस्टिंग कर दी गई है क्योंकि यही हमारे लिए याद रखने इंपॉर्टेंट हैं सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल वो इतने नहीं पूछे जाते हैं और क्योंकि वो बहुत सारे भी हैं ना तो ये गोल्ड मेडल इंपॉर्टेंट है इनको याद रखना है सबसे पहले शूटिंग इवेंट्स में जो गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं पहला है टेन मीटर एयर पिस्टल टीम मैन में फिर टेन मीटर एयर राइफल टीम मैन में फिफ्टी मीटर राइफल थ्री पोजिशंस टीम मैन ट्रैप टीम मैन टेन मीटर एयर पिस्टल वमेन पलक गुलिया ने इसमें गोल्ड जीता है ट्वेंटी फाइव मीटर पिस्टल टीम वुमेन और फिफ्टी मीटर राइफल थ्री पोजिशंस वुमेन ने भी गोल्ड मेडल जीता है इस इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर कौन सी है सिफ्थ कौर समरा अब नेक्स्ट देखते हैं हॉकी मेंस टीम ने इसमें जीता है गोल्ड मेडल कबड्डी मेंस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है कबड्डी वीमेन्स टीम ने भी गोल्ड जीता है फिर क्रिकेट मेंस टीम क्रिकेट वीमेन्स टीम दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेज टीम ने गोल्ड जीता है और बैडमिंटन मेन्स डबल्स में गोल्ड जीता है सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा इसमें जीता गया है नेक्स्ट एथलेटिक्स इवेंट में बात करें तो हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा इन्होंने 88.88 मीटर .88 का थ्रो किया उसके साथ में गोल्ड मेडल जीता फिर वेमेंस जेवलिन थ्रो में भी अनू रानी ने गोल्ड मेडल जीता है मेन्स पुट में गोल्ड मेडल जीता है तजिंदर पाल सिंह तूर ने इन्हें भी आपने देखा होगा पारुल चौधरी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वेमेंस फाइव थाउजेंड मीटर रेस में फिर मेंस फोर इंटू फोर हंड्रेड मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता है मेंस थ्री थाउजेंड मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड मेडल जीता है अविनाश सबले नेक्स्ट आर्चरी में बात करें तो कंपाउंड मेंस इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल जीता है ओजस देवतले ने कंपाउंड वुमेंस इंडिविजुअल में भी गोल्ड जीता है हमने ज्योति सुरेखा वेनम के द्वारा जीता गया है कंपाउंड मेंस टीम में गोल्ड जीता, गोल जीता है और कंपाउंड वेमेंस टीम ने भी गोल्ड जीता, गोल जीता है और कंपाउंड मिक्स्ड टीम ने भी गोल्ड जीता है स्क्वैश में मेंस टीम ने गोल्ड जीता है और मिक्स डबल्स में भी गोल्ड जीता गया है और टेनिस मिक्स डबल्स में भी गोल्ड जीता है भारत ने तो वो सारे हो गए हमारे गोल्ड मेडल्स अब एशियन गेम्स की कुछ जीके जो आपको याद रखनी है पहली चीज तो पहली बार गेम्स एशियन गेम्स कहाँ हुए थे नई दिल्ली में 1951 में और भारत में दो बार हो चुके हैं जो मैंने बताया भी था 1982 में एक बार और हुए थे एशियाड के नाम से भी जानते हैं एक कॉन्टीनेंटल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है हर चार साल में होता है और ऑल ओवर एशिया के एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था ठीक है एशियन गेम्स हुए थे और इंडिया ने उसमें 70 मेडल्स जीते थे जिनमें से 16 गोल्ड 23 सिल्वर और 31 वन ब्रॉन्ज मेडल्स थे पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में ये कमलजीत जीत संधु है और पहली इंडियन वुमेन रेसलर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में ये हैं विनेश फोगाट अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कुछ चीजें अच्छे से याद हो जाएं जैसे कि पहला क्वेश्चन है वट पोजिशन डिड इंडिया फिनिश इन एशियन गेम्स ट्वेंटी तो हमने स्टार्टिंग में मेडल टली देखी थी भारत की पोजिशन इसमें रही है फोर्थ फर्स्ट नंबर पर चाइनीज है सेकेंड पर जापान थर्ड पर कोरिया और फोर्थ नंबर पर है भारत भारत के 107 मेडल्स हैं जिनमें 28 गोल्ड अड़तीस सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं वट इज़ द मोटो ऑफ 2023 एशियन गेम्स 2023 में एशियन गेम्स का मोटो रखा गया है हार्ट टू हार्ट ऑप्शन ए करेक्ट है वट इज़ द मोटो ऑफ 2023 अच्छा यहाँ से एक चीज़ है ट्वेंटी हटा लीजिएगा यहाँ पूछा जा रहा है वट इज़ द मोटो ऑफ एशियन गेम्स अब देखिए तीन मोटो हमारे सामने आए हैं एक आया है इंडिया का मोटो इंडिया का मोटो क्या था अब की बार सोपार जो कि हो गया है फिर सेकेंड मोटो दो एशियन गेम जो अभी हुए हैं इसका मोटो क्या है हार्ट टू हार्ट अब यहाँ पर एशियन गेम्स जो एशियन गेम्स होते हैं ना हर चार साल में होते हैं और परमानेंट जो मोटो है इसका परमानेंट मोटो एशियन गेम्स का है एवर ऑनवर्ड बाकी हर आ, हर चार साल में जो गेम्स होते हैं जो भी कंट्री होस्ट करती है वो एक मोटो रखती है उस गेम के लिए लेकिन ये परमानेंट मोटो है एशियन गेम्स का एवर ऑनवर्ड ठीक है तो ऑप्शन ए करेक्ट है अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कंटीजेंट फॉर एशियन गेम्स 2022 ऑफिशियल स्पॉन्सर भारत का आ, कौन रहा है तो अमूल था इसमें चाइना में हुए हैं एशियन गेम मल्टी स्पोर्ट वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं सारी जो हम देख चुके हैं अमूल एक लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव है इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया और ये था इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर इंडियाज फ्लैग बियरर इन ओपनिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स 2023 फ्लैग बियरर कौन थे हरमनप्रीत सिंह और लोवलिना बोरकोहनो क्लोजिंग सेरेमनी में हमने देखा था पीआर आर सृजेश हॉकी प्लेयर हैं ये इसके फ्लैग बियरर थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैस्कॉट ऑफ एशियन गेम तो अच्छे से याद हो गया होगा ये चैन चैन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान एक ग्रुप ऑफ रोबोट है जो रखा गया था मैस्कॉट एशियन गेम्स का विच country's women's वुमेंस क्रिकेट टीम वन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स तो ये हमने देखा था मेंस क्रिकेट टीम वुमेन्स क्रिकेट टीम दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है भारत के और वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन थी हरमनप्रीत कौर फ्लैग प्लेयर हरमनप्रीत सिंह थे ठीक है और हरमनप्रीत कौर ये क्रिकेट प्लेयर हैं हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन woman टू विन अ जेवलिन गोल्ड इन एशियन गेम्स हिस्ट्री हमने देखा अनु रानी के द्वारा जीता गया है वुमेन कैटेगरी में और मेंस में तो गोल्डन बॉय है ही पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन में एशियन गेम्स की हिस्ट्री में किरण बालियान क्लिंच इंडियाज फर्स्ट मेडल इन सेवेंटी टू ईयर्स इन विच गेम एट द एशियन गेम्स बहत्तर साल की हिस्ट्री जो एशियन गेम्स की रही है उसमें इस गेम को पहला मेडल मिला है कौन सा गेम है ये पुट है ठीक है और किरण बालियान अब इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में आता है ना कि ये प्लेयर कौन से गेम से रिलेटेड है या कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित हैं तो पुट याद रखिएगा अच्छे से किरण बालियान शॉर्ट पुट कौन सा मेडल इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इस गेम के लिए ब्रॉन्ज मेडल आ, कोई मेडल आया है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सड डबल्स पेयर वन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2023 तो ये हैं रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड तो ये हमने देखा था 1951 में पहली बार नई दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे और फिर सेकेंड टाइम हुए नई दिल्ली में ही नाइनटीन में भारत में अच्छा ये एडिशन याद रखिएगा भारत में कौन सा एडिशन हुआ था नाइन्थ एडिशन हुआ था पहला एडिशन और नवा एडिशन ठीक है क्योंकि ऐसे भी घुमा के पूछ सकते हैं एग्जाम में अब लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर करना है आप लोगों को इन विच कंट्री विल द एशियन गेम्स 2026 ट्वेंटी सिक्स बी हेल्ड कहां पर ये होने वाले हैं 2026 में नेक्स्ट ट्वेंटी एशियन गेम्स यूएसए इटली साउथ कोरिया या फिर जापान और फाइनली इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड अब कल सुबह मिलते हैं अपने करंट अफेयर के साथ तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर